उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल से एक बड़ी खबर आ रही है। यहाँ एक बार फिर से गुलदार की चहलकदमी देखी गई है। गुलदार अब आवासीय कॉलोनी और स्कूलों के नजदीक भी दिखाई देने लगे हैं। ऐसे में स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर डीएम ने क्षेत्र में 2 दिनों तक स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र बंद रखने के आदेश जारी किए हैं। ढांडरी गांव में गुलदार की चहलकदमी से दहशत पनप गई है। शहर से सटे ढांडरी गांव के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के नजदीक दोपहर को गुलदार दिखाई दिया, जिससे स्कूल के टीचर और बच्चों में दहशत फैल गई। साथ ही पेरेंट्स भी अपने बच्चों को स्कूल भेजने से कतराने लगे हैं। बच्चों के अभिभावकों ने जिला प्रशासन से गुलदार को पिंजरे में कैद करने की मांग उठाई है। बच्चों की सुरक्षा के मद्देनजर डीएम आशीष चौहान ने ढांडरी और उसके आसपास के गांव में 2 दिनों तक आंगनबाड़ी और स्कूल्स को बंद रखने के आदेश जारी किए हैं। पौड़ी रेंज के रेंजर ललित मोहन नेगी ने बताया कि गुलदार को लेकर इलाके में लगातार गश्त की जा रही है। बीते दिनों ही ढांडरी गाँव के पैदल मार्ग पर गुलदार देखने की सूचना मिली थी। उन्होंने बताया कि जरूरत हुई तो यहां पिंजरा भी लगाया जाएगा, लेकिन पिंजरे लगाए जाने को लेकर अभी तक कोई आवेदन नहीं आया है। वन विभाग की टीम लोगों को गुलदार की गतिविधियों को लेकर जागरूक भी कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रायशुमारी।